स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि वेडिंग मैथमेटिक्स है, ये हम स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 तक हमने कर लिया था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, आई होप आपने वो किए होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन पढ़ा, वहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने अच्छे से सॉल्व करवाई है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी घर पे, आई होप वो भी आप इजीली सॉल्व करोगे। यस, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 वेडिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेडिंग मैथमेटिक्स में जो वर्ड यूज करते हैं, एका न्यूमेन, तो इन सबका मीन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट भी कहते हैं, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये सारे नंबर्स होते क्या है, और उसके बाद में इस पर बेस्ड हम जो भी हमारे एक्सरसाइज दे रखी है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि एक बार देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर हो, जैसे आपको बोल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एकाधिक ऑफ वन, जिसे वन का क्या करना है आपको, एकाधिक फाइंड करना है। तो एक या तो आप इसको ऐसे लिखोगे एकाधिक ऑफ वन, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे या फिर आप इसको क्या लिख दोगे वन के ऊपर जो, ठीक है। इस डॉट का जो मीन होता है ना, ये भी क्या होता है, एकाधिक ही होता है, ठीक है। अगर आपको बोले कि आपको वन का एकाधिक फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, ये वन ये दो, वन का एकाधिक क्या हो जाएगा, देखो आप जब ये बोलते हो ना एकाधिक, जब आप इसको बोल रहे हो तो एकाधिक का सही सा है, मीन्स आपको एक क्या करना है, अधिक कर देना है, ठीक है। तो आपको एक अधिक कर देना, अब आपने क्या किया वन में एक अधिक कर दिया तो टू हो गया। अगर आपको टू का पूछे एकाधिक हो तो आप क्या करोगे, नहीं कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपका नंबर बोला जाए 20, ठीक है, अगर आपको ये 20 दे दे और आपको बोले कि फाइंड द एकाधिक ऑफ 20, तो आप क्या करोगे, आप कहाँ नोट करोगे, यहाँ पर नोट करोगे, नहीं, हमको इसका एकाधिक करना है, तो हम बिजी हो लास्ट में भी बिजी है, वहाँ पर हम नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21। इसी तरीके से अगर आपको 27 दे दिया, तो आप क्या करोगे, 7 के ऊपर डॉट लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 28। ये आपके बुक में भी दे रखे हैं, बुक में भी आपको टेबल बना के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बहुत ईजी भी है और बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे आप इसको पढ़ते, बहुत मजा भी आ रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें तो सिर्फ हमको ऊपर की तरफ बोर्ड लगाना है, इसका इंक्रीज कर देना, वही इंक्रीज कर देना। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, 44, अगर आपको 44 का एकाधिक बोले तो आप क्या करोगे, इसके जो यूनिट दीजिए वहाँ पर डॉट लगा दोगे, ऊपर की साइड, डॉट ऊपर की साइड लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिए, अगर आप ऊपर लगाओगे उसका मीन्स होगा एकाधिक कर रहे हो। और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ना एकाधिक, तो उसमें आप देखेंगे कि डॉट हम जो है ना नीचे की साइड लगाएंगे, आई होप ये एकाधिक के समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं एकाधिक, देखिए आपको इसकी डेफिनेशन और जो भी एग्जाम्पल पूरा प्रॉपर नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो अभी हमने एकाधिक लिखा है, अब हम एकाधिक देखते हैं, जिस तरीके से एकाधिक में ऊपर की तरफ डॉट लगा रहे हो इस तरह, इसी तरह से आपको जो एका न्यूमेरल में डॉट नीचे की तरफ, ठीक है, तो 2 का एका न्यूमेरल क्या हो जाएगा 1, इसी तरीके से अगर 19 का एका न्यूमेरल पूछे तो यूनिट डिजिट नीचे डॉट लगाना है, 9 का क्या हो जाएगा, 1 का हम लगा रहा है तो 18 हो जाएगा, 27 का अगर बोले आपको, 27 का 1 क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 26। इसी तरीके से अगर मैं 44 लूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ डॉट आ जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 43। आप एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद में हम जो आगे हैं
अधिकेन पूर्वेन और एकांतिनेन पूर्वेन वो बचे हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स देखेंगे। ये देख लीजिए एक बार, यस आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे टू टर्म्स है, एकाधिकेन पूर्वेन है एकाधिनेन, तो वो देखते ही बन जाएगा। अब देखेंगे हम एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन। अब एकाधिकेन पूर्वेन क्या होता है देखते हैं, अभी तक तो सिर्फ आप एकाधिकेन निकाल रहे हैं, अब आपको एकाधिकेन पूर्वेन। अब देखो पूर्वेन दे रहा है, कैसे लिखते हैं इसको, पूर्वेन इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। पूर्वेन पूर्व का मतलब क्या होता है, जो आगे वाला होता है उसे हम पूर्व बोलते हैं। तो जैसे आपको इस नंबर सेवन देते हैं, ठीक है, अगर आपको इसका सिर्फ एकाधिकेन बोले तो आप क्या करोगे, इजीली यहाँ पे डॉट लगा दोगे और एड, ये आपका बिल्कुल करेगा। बट अगर आपको एकाधिकेन पूर्वेन बोला होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अधिक करना है पूर्व वाले में, यानी इसके पहले वाले में आपको क्या करना है, एक अधिक करना। अब पहले वाले में कुछ नहीं है तो हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं, राइट, और अगर कुछ होगा तो उसमें से आपको कम करना, उसमें से आपको बढ़ा देना है। जैसे ये है आपका नंबर ओनली सेवन था, इसके आगे कुछ भी नहीं था, इसके पूर्व में कुछ भी नहीं था, तो हमने जीरो लिया और जीरो के ऊपर डॉट किया, तो ये हो गया हमारा सेवन, हो जाएगा ना, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा ओनली सेवन। इसी तरीके से अगर आपको 27 का एकाधिकेन क्या करोगे, उसके ऊपर डॉट, तो ये हो जाएगा आपका 37। अब एकाधिकेन पूर्वेन चल रहा है ना, अब आपको जैसे नंबर देते सेवन, इसका एकाधिकेन पूर्वेन करने को बोले तो वन के ऊपर डॉट लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 27। मीन्स जब हमने नंबर सेवन का एकाधिकेन पूर्वेन निकाला तो हमको 17 मिला, जब हमने 17 का एकाधिकेन पूर्वेन निकाला तो हमारे पास में 7 आया, जब हमने 27 का एकाधिकेन किया तो 37 आया। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 8, ओनली नंबर 8 दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, एकाधिकेन पूर्वेन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके पूर्व में कुछ भी नहीं है, तो जीरो कर दो, उसके ऊपर डॉट लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 18। आपकी बुक में और भी दे रखे हैं, हम बुक से सॉल्व करना है इसको, अभी जैसे ही आपका वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको बुक ओपन कीजिएगा, और उसमें आपको स्टार्टिंग में ही टेबल्स दे रखी है, तो आपको सॉल्व करना आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, तो ये हमने देखा एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है। अब हम एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्वेन का मतलब आपको समझ में आया है, पूर्वेन मीन्स होता है
ठीक है। यस, तो ये हमने एका लीनियंट मूवमेंट और एका न्यूनेंट मूवमेंट देखा है, ठीक है, जो आपके आगे हमने दे रखा था, उसमें आपने क्या कर दिया, एक कम कर दिया, ठीक है। 19 का हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 12, 17 का ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब हम आगे देखते हैं कर लेना अपनी नोटबुक में, और उसके बाद में हम कल इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे।